गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में बीए सेकेंड ईयर रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक प्रथम यूनिट में है, उसके अंतर्गत में हम आज आगे बढ़ते हुए आज हम उच्च माध्यमिक स्तर पर रसायन विज्ञान के जो पाठ्यक्रम है उसका आरबीएससी और सीपीएससी पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने इससे पूर्व लेसन में हमने सीबीएसई के सैद्धांतिक और प्रायोगिक पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, उसी के साथ साथ में आज इस इन दोनों का तुलनात्मक और समालोचनात्मक अध्ययन करेंगे। तो इसमें कई प्रकार के तथ्य आएंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला आता है पाठ्यक्रम सुधार। अब देखिए पाठ्यक्रम में सुधार यह निश्चित करना कि कौन कौन सी शिक्षण सामग्री और कौन कौन सी विधि हमारे लिए संतोषजनक और छात्रों के लिए उपयुक्त हैं और तथा कहां परिवर्तन की आवश्यकता है, इस बात को हम देखते हुए इस बात पर हम जोर दें कि हमें पाठ्यक्रम में क्या क्या सुधार करना आवश्यक है। तो पहला है पाठ्यक्रम में सुधार। तो हमें जो चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, पाठ्यक्रमों के अंतर्गत में जो अच्छी बातें हैं वह ग्रहण करनी है और जो ऐसा लगता है जो छात्रों के लिए भी अनुपयुक्त है अनिवार्य नहीं, उन चीज़ों को हमें हटाना है। तो ये हमें प्रथम बिंदु के अंतर्गत में इसको लेना पड़ेगा। फिर व्यक्तियों के बारे में निर्णय लेना, देखिए शिक्षक के संतोष के लिए छात्रों की आवश्यकताओं को पहचानना जरूरी है। जब तक छात्रों की आवश्यकताओं को शिक्षक नहीं पहचानेगा तब तक छात्रों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, और यदि छात्रों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो शिक्षक खुद परेशान रहेगा। आज छेल सिंह ने कोई प्रश्न कर दिया, सेमी ने कोई प्रश्न कर दिया, निखिल ने कोई प्रश्न कर दिया या भावना ने कोई प्रश्न कर दिया, तो वह शिक्षक क्लास में आने से कतराएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि बच्चे चाहते क्या है। बच्चों को वह संतुष्ट संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है और जवाब नहीं दे पाएगा तो बच्चे प्रश्न करेंगे। बच्चों का स्वभाव में होता है प्रश्न करना, तो वह प्रश्न करेंगे। इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए बच्चों की ज्ञान से उसकी तुलना करनी है और उसको बच्चों की आवश्यकताओं के ऊपर जानना है। बच्चे क्या चाहते हैं, फिर बच्चे चाहते हैं चुनाव खेलना, बच्चे क्या चाहते हैं, जैसे अपने भजन अशोक श्रवण बीरू ये बार बार आते हैं, अक्सर वॉलीबॉल देना खेलेंगे, ठीक है, एक दिन दे दिया, ठीक है चलो हम भी देखते हैं कि सप्ताह में एक बार दे दिया, लेकिन दूसरे दिन वापस आते हैं, सर आज भी दे दूंगा, आज वो सर नहीं है, वो मैडम नहीं है, वो नहीं है, ठीक है ना, चलो भाई हम देखते हैं, दूसरे दिन भी दे दिया। तो अब इन बच्चों की क्या होगी, आदत बन गई, हैबिट बन गई, रोज सर क्या है कि ये तो हमें आता है, तो वह उनकी आवश्यकता है। अब आवश्यकता है उनकी क्या है, खेलना है, लेकिन सबसे बड़ा कार्य क्या है, वो पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने तो अब उनकी आवश्यकताओं का चयन करना है, चयन करने के बाद उनका वर्गीकरण करना है और छात्रों की योग्यता को परखते हुए छात्र की प्रगति
और उसकी कमियों से उसको अवगत करना नहीं है। सप्ताह में एक बार के लिए बहुत है, लेकिन अब हमें अध्ययन करना पड़ेगा, तो उसको उस चीज से अवगत करना है। फिर अब उसकी कमियां बता दी। फिर नेक्स्ट आता है प्रशासनिक निर्णय। यह निर्धारण कर दिया कि विद्यालय का प्रशासन, आपने अभी इंटर्नशिप की है तो किसी विद्यालय का प्रशासन बहुत ही अच्छा होगा और वहाँ के टीचर व्यवस्थित, और अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है। एक तो टीचर बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, जो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी तक उसकी आवाज़ आती है या 100 मीटर तक उसकी आवाज़ आती है, और 100 मीटर 200 मीटर तक उसकी आवाज़ आएगी तो क्लास के बच्चों के का क्या हाल होगा, इस चीज़ को भी विचारनीय करना है। तो अध्यापक को अपनी संयमित भाषा और वाणी के माध्यम से और अपनी वाणी कक्षा के अनुसार रखनी चाहिए। अब मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो पीछे बैठने वाले मुकेश कहता है सर आवाज नहीं आ रही, ठीक है ना? तो मेरी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि इस कक्षा में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों तक मेरी आवाज जाए, कितनी आवाज होनी चाहिए, ठीक है? फिर आज हम आगे बढ़ते हैं। फिर प्रशासनिक के अंतर्गत में अब इसकी मूल्यांकन करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला है पाठ्यक्रम में विद्यमान ज्ञान के अंश, इकाइयां हैं, प्रसंग हैं, जो निरर्थक है या जो काम के नहीं है उनको देना चाहिए, ठीक है ना? पहला क्या है, जो पाठ्यक्रम में विद्यमान इकाई है, पाठ है, प्रकरण है, टॉपिक है, इनको जो बच्चों के काम के नहीं है, निरर्थक है, उनको हटा देना चाहिए। दूसरा, जिस पाठ्यक्रम की जांच की जानी है वह कब से चला आ रहा है, यूं तो नहीं कहा जाता कि समय से वो पाठ्यक्रम चला आ रहा है, चुंबकीय विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे हैं, वही पाठ्यक्रम चला आ रहा है, तो कब से चला आ रहा है और किन परिस्थितियों से ये बताया जाता है, उसमें किन किन आवश्यकताओं उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, उन उद्देश्यों को हमें भी ध्यान में रखना है, नहीं तो हमें उसके उद्देश्य और आवश्यकताओं को बदलना। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षा में जो नवीन विचार आए हैं, नवीन सैद्धांतिक विचारों पर उनका समावेश उस पाठ्यक्रम में किस सीमा तक किया गया है वह आपको निर्धारित करना है। फिर नेक्स्ट आता है आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक संदर्भ में इस पाठ्यक्रम की क्या उपयोगिता है उसके बारे में हमें जांच करना है और उसके आधार पर निर्धारित करना है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का हो। फिर इन पाठ्यक्रम में नए प्रसंगों को, ज्ञान की इकाइयों को इनमें सम्मिलित किया जाए, क्या वर्तमान में ज्ञान की उपयोगिता है या नहीं है, पाठ्यक्रम में भारी भरकम तो नहीं बन गया है जिससे बच्चों को बोझिल महसूस हो, ठीक है ना? इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट है क्या इन प्रसंगों का एक का दूसरे के साथ में संबंध है, क्रमबद्धता है ही है, इनके एकीकरण संबंधी कोई कमियां तो नहीं रह गई है, पाठ्यक्रम में किन अधिगम अनुभवों का प्रावधान है, क्या उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, क्या पाठ्यक्रम में किन अधिगम अनुभवों का प्रावधान है, इनमें की किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है और किस प्रकार हम उसको चेंजेबल कर सकते हैं। फिर
इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत में कोई ऐसी विवादास्पद बात तो नहीं लिखी हुई, और यदि है तो उसको हटा दिया जाए, दिया जाना चाहिए। तो ये मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और फिर छात्रों को आत्म अधिगम के लिए प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार की पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। इसमें पाठ्यक्रम छात्रों के मूल्यांकन की जो स्थिति है, क्या व्यवस्था रहेगी, आगे इसमें क्या सुधार हो सकता है, उसके बारे में भी अध्ययन करना, तथा यह पाठ्यक्रम चाहे प्रशासनिक रूप से हो चाहे शैक्षणिक रूप से मांगों के अनुसार है या नहीं, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो आज हमने उच्च माध्यमिक स्तर पर CBSE और RBSE रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक मूल्यांकन किया है। तो अब इससे हमें ये पता चलता है कि वर्तमान पाठ्यक्रम एक उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो हमें उसके सुझाव जब मांगे जाते हैं हमें अपने सुझाव शिक्षा विभाग के अंतर्गत दे देने चाहिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद में भेजने चाहिए, जिससे कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें सुदृढ़ बन सके। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।